भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टिकर गांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हजारीबाग जिले के सभी बूथों में मुझे मेरे बीएलओ पर गर्व है कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत आज से की गई है। वहीं हजारीबाग जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को साथ बीएलओ का सेल्फी मोड में फोटो लेकर उनको सम्मान दिया जाएगा और यह कार्यक्रम जिले के हरेक बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हजारीबाग के मतदान केंद्र प्राउड ऑफ माय बीएलओ का कार्यक्रम किया गया और मतदाताओं को जागरूक करने की पहल की गई। जिसमें बीएलओज अपने बूथ पे रहेंगे सब 10 से 3 तक। वहाँ पर ये सभी कैटेगरीज के लिए हैं कि वो फॉर्म 6, 7, 8 जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं और बीएलओज उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद नवंबर में भी हमारे स्पेशल कैंप्स है जो स्पेसिफिक कैटेगरीज को लेकर टारगेट करके स्पेशल कैंप किया जाएगा, जिसमें PVTGs होंगे, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स, सभी को इंक्लूड किया जाएगा ताकि ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन रहे। बाकी जो शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं उनके डिलीशन का भी वर्क चल रहा है ताकि एक हेल्दी रोल प्रिपेयर किया जा सके। और नेक्स्ट ईयर जब 2024 में हमारे इलेक्शंस हैं लोकसभा के, तब तक ये हेल्दी रोल पूरा बन जाए और उसके बाद इलेक्शंस में जो जितने कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो सकता है उसकी हमको। छात्रों को आत्महत्या से बचाने के लिए रांची पुलिस एक विशेष तैयारी कर रही है। रांची पुलिस की ओर से मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया जाएगा। दरअसल राजधानी रांची स्थित BIT मिश्रा में पढ़ने वाले 22 वर्षीय सौरभ सुमन ने गुरुवार रात हॉस्टल नंबर 10 में स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सौरभ BIT मिश्रा में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का सेकेंड ईयर का छात्र था और जमशेदपुर के टेलको इलाके का रहने वाला था। मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें डिप्रेशन का जिक्र है। हालांकि पुलिस आत्महत्या समेत अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। इस मामले को लेकर CTSP राजकुमार मेहता ने जांच की बात कही है। साथ ही छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचाने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाने की बात कही है। जो अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार हम लोगों ने अभी BIT के कैंपस में एक लड़के के द्वारा जो है वो सुसाइड की घटना प्रतिवेदित हुई है। घटना के प्रतिवेदन के बाद में BIT थाना प्रभारी को इस संदर्भ में हम लोगों ने भेज करके उनकी डेड बॉडी को सौ में कब्जा लेकर के हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये जो आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन अग्रतर अनुसंधान सभी बिंदुओं पर मेरे द्वारा की जा रही है और इस संदर्भ में BIT के जो प्रिंसिपल्स हैं और डीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। हम लोग उस क्षेत्र में खास करके BIT के जो कॉलेज है उसमें हम लोग लड़कों के लिए एक मोटिवेशनल जो कोर्स है या मोटिवेशनल टिप्स जो है, ताकि लड़के जो हैं दबाव में आकर के कोई गलत निर्णय जो लेते हैं जिससे कई परिवार को नुकसान हो रहा है, तो मेरे स्तर से भी एक प्रयास मैंने रखा है उनके सामने, एक प्रस्ताव की मैं भी उनके समक्ष एक मोटिवेशनल लड़कों के लिए मैं करने जा रहा हूं ताकि लड़के को इस तरह के घटना को अंजाम ना दे सके। कई परिवार बर्बाद होते हैं, दुखद है, लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अनुसंधान आगे हम लोग करते हैं। सुसाइडल नोट अभी उसके हम लोग जो है उसमें अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके हम लोग IIT नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।